नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दरभंगा सहरसा रेलखंड पर ट्रेन की कमी की खलल जो है लोगों को परेशान कर रही है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, ये लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और लोकल ट्रेन कम रहने के कारण या फिर एक्सप्रेस ट्रेन कम रहने के कारण यहाँ पर अच्छा खासा भीड़ रहता है और यात्रियों की सांसें जो है वो अटक जाती है। ट्रेन में चढ़ने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही है। इस रेलखंड पर कई ट्रेनों का जो है प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन वो ट्रेन अभी तक नहीं चलाई गई है, जिसके कारण यात्रियों जो है काफ़ी परेशानी में सफ़र करते हैं। कई सालों बाद इस रेलखंड पर ट्रेन चली है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं मिल रही है। कहीं भीड़ में यात्रा करना पड़ता है तो कहीं जान जोखिम में डालकर लोग जो है वो सफ़र करते हैं। आप देख सकते हैं टिकट काउंटर पर भी कितनी भीड़ है और प्लेटफॉर्म पर भी आपको दिखाएंगे अभी कि कितनी भीड़ लगी हुई है और किस तरह से लोग परेशानी में ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। देखिए, ये बिरजू ठाकुर की रिपोर्ट। देख सकते हैं अभी हम घोंघरिया स्टेशन पे आए हैं। देखिए कितना यहाँ पे जनता लोग बैठा हुआ है, ये सब मेला देखने के लिए जा रहा है राजगीर। यहाँ पे ट्रेन नहीं होने कारण देख सकते हैं कितना भीड़ लगा हुआ है, यहाँ पे कितना जनता बैठा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। रात का समय का सीन है ये, अभी तक ट्रेन नहीं आई है, ट्रेन आने बहुत जल्द आएगी। ट्रेन यहाँ पे देख सकते हैं कितना भीड़ है। अगर 6 तारीख के डेट में अगर रेल मंत्री की नरेंद्र मोदी यहाँ के जनता के बारे में कुछ सोचेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ ट्रेन यहाँ पे 2-4 अगर बढ़ा देगा तो बहुत ही अच्छा होगा। देख सकते हैं, देख सकते हैं घुमटिया स्टेशन का सीन है। बोर्ड भी आना चाहिए, बारिश शुरू हो गई है, बारिश।